आज ना थकावट हो गई है। थकावट किस वजह से हुई है कि आज नींद पूरी नहीं हुई और ऊपर से प्यास भी लगी हुई है और अभी नींद आई हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी सो सकते नहीं क्योंकि अभी एक घंटे बाद इफ्तारी है, खाने के लिए कुछ बनाना है, उससे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें बाद में। टाइम तकरीबन रह गया आधा घंटा और जल्दी जल्दी बनाते हैं। वैसे आज कुछ डिफरेंट बनाते हैं, कल हमने मिल्क शेक बनाया था बनाना और मैंगो का, और आज उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। और कल हमने मोमोज़ बनाए थे, आज हम मोमोज़ की जगह कुछ और बनाएंगे। अब जल्दी जल्दी बनाते हैं क्योंकि इफ्तारी का टाइम बहुत करीब है। लेट्स आज हम जो जूस बनाने लगे हैं वो है स्ट्रॉबेरी और बनाना का। आज मैंगो को करते हैं स्किप। ये है जी एयर फ्रायर और आज हम करने वाले हैं चिकन को एयर फ्रायर। ये चिकन लेग्स हैं, इनको एयर फ्रायर करेंगे और ये तकरीबन 15-20 मिनट में एयर फ्राई हो जाएंगी और 5 मिनट में बन जाएगा हमारा जूस, इफ्तारी रेडी। अकेले बंदे की ये ज़िंदगी होती है मज़े की, बस जो दिल करे बनाओ, जितना खाओ जैसा खाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। बैचलर लाइफ के फ़ायदे भी बहुत हैं एंड नुकसान भी बहुत है। ये दो लेग पीस हैं, अब इनके साथ क्या करना है कि सबसे पहले इनका ये चमड़ा उतार देते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको नमक भी लग गया, काली मिर्चें भी लग गई हैं और इसको अब रखते हैं फ्रायर में, इसको रखते हैं। टाइम जो है वो है 6:47 और तकरीबन रह गए हैं 13:05-18 मिनट्स रह गए हैं और आखिरी 5-7 मिनट में हम बनाएंगे जूस, क्योंकि जूस ताज़ा ताज़ा मज़े का होता है। और आज तीसरा रोज़ा है, आज मुझे प्यास जो है वो अच्छी लगी हुई है। प्यास 5 मिनट हो गए हैं और इसको चेक करते हैं कि ये कहाँ पहुँचा है, अभी हो रहा है। इसको थोड़ा सा उल्टा देते हैं ताकि दोनों तरफ से इसको हीट लगे। बनाते हैं अभी जूस क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं और जूस के बगैर तो इफ्तारी मेरे से होगी नहीं, तो जूस बनाना लाजमी है। खैर टाइम काफ़ी हो रहा है और लेट्स मेक जूस। ये स्ट्रॉबेरीज होगी 3-4 और ये पड़े हैं केले हजूर, इसमें डाल दिए हमने केले और साथ में ना एक दो दाने जो हैं वो खजूर के डाल देते हैं। दूध ये पड़ा है, दूध डाल देते हैं, दूध जो है ये भी डाल देते हैं। ये हो गया जी दूध शरीफ। अब मज़े की बात ये है कि इस जूसर का जो ढक्कन है वो मुझसे टूट गया, बस करते हैं यार, हो गया होगा। ये देखो चेक करो क्या मज़े की जो है वो कलर भी आया हुआ है। इसको देख के ना मुझे प्यास और ज़्यादा हो गई है। खैर ये इसका काफ़ी टाइम हो गया, इसको चेक करते हैं कि ये कहाँ पहुँचा है, वो अंदर से देखते हैं कि अंदर से ये क्या कैसा हुआ है। ये लेगा टाइम, अभी इसको थोड़ा सा टाइम और देते हैं। चेक करो भाई, तकरीबन चिकन जो है वो रेडी हो गया। इसको डालते हैं जी प्लेट में ऐसे और ये हम आगे सीधे सीधे यहाँ पे। और मैं कह रहा था कि मैं कल जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने जो जूस पिया था वो गिलास से पिया था, मैं कहा थोड़ा महज़ब लगूँगा, ये होगा वो होगा, लेकिन मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आया, जिसको नहीं कहते कख भी मज़ा नहीं आया, इसलिए आज मैं इसी जग में पीऊँगा। और चिकन जो है ये चेक करो, चिकन को मज़े का हो गया है। और ये है मेरी इफ्तारी और खाना, जूस और ये चिकन। 7:08 हो गए हैं, 1 मिनट रहता है इफ्तारी को, 7:09 पे आज होगी यहाँ सिटी के कैलेंडर के मुताबिक। मज़े का है यार, आधा मैंने पी लिया है, मज़े का है। स्ट्रॉबेरी और बनाना और ठंडा है क्योंकि फ्रूट मैंने फ्रिज में रखा हुआ था और मेरी जो अंदर की प्यास है ना वो ऐसे पता चल रहा है कहाँ कहाँ से जूस जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है और वो जो है ना वो इलाका ठंडा होता जा रहा है, मज़े का। बस
ये तो ये था जी आज का हमारा दिन, आज का तीसरा दिन, तीसरा रोज़ा। माशाल्लाह अच्छा गुजर गया। होपफुली आपका भी अच्छा गुजरा गुजरा होगा या गुजर रहा होगा। जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हिम्मत दे रोज़े रखने की और खुशू व खुजू के साथ नमाज़ें पढ़ने की, इबादत करने की। और हमारे लिए भी दुआएं कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे हौसला मिलता है। और आपके लाइक शेयर की वजह से मैं जो है वो फिर मोटिवेट होता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। और अगर कोई आपके जहन में सवाल है, कोई राय है, कोई कुछ भी है, कोई भी बात है, प्लीज़ डू शेयर। कमेंट में मुझे लिख लें या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लें, मैं आपको बर वक्त मैसेज करूँगा। बाकी अल्लाह हाफिज़।